हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु राव और आप सभी का स्वागत है मैं रेसिपीज़ के किचन में। आज हम बनाएंगे मसाले वाले छोले, तो चलिए बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल और उसमें डाल देंगे हम तेज़ पत्ता, दालचीनी, यहाँ ली है लौंग और एक जो काली वाली इलायची होती है, बड़ी इलायची, मसाला इलायची जिसे कहते हैं, वो डाल दिया है। जैसे ही यह तड़कने लग जाएगा इसमें डाल देंगे हम टमाटर और प्याज का पेस्ट। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 छोटे मीडियम टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उसे पीस लिया है और इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ लिया है कुछ पाउडर मसाले, तो हमने लिया है छोले मसाला, कांदा लहसुन मसाला, किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो इसका मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून रहा है और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये तेल से पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाता है। अगर मसाला कच्चा रहेगा तो हमारे जो छोले हैं उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और आप देख सकते हैं मसाला और तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे भून लेना है। और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी लगभग हम 1 से आधे मिनट तक भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम 3 हरी मिर्च और उसे हमने बीच में से स्लाइस कर लिया है और इसे भी लगभग 1 से आधे मिनट तक भून लेना है। और ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम पाउडर मसाले और जब भी आप पाउडर मसाले इसमें डालें तो फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। जैसे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो हम 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और फ्लेम कम ही रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब इसमें डाल देंगे हमने छोले। तो मैंने छोले पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, तो ये 200 ग्राम के करीब छोले हैं जिसे हमने पानी ओवरनाइट इसे भिगो के रखा और मॉर्निंग में इसे 3 सीटी लगाई ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और बॉईल करते वक्त में बिल्कुल इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो फट जाएगी। तो हमने इसमें छोले डाल दिए हैं और डाल दिए हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी लगभग मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और लगभग हम इसे वापस 10 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि मसालों में हमारे छोले अच्छे से पक जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो भी गाढ़ी हो गई है और छोले भी बहुत अच्छे से मसालों में पक चुके हैं। तो इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसे सर्व करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।